पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा है। दरअसल आज दिल्ली में बैठकों में व्यस्त रहेंगी वसुंधरा राजे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। दोपहर करीब 12 बजे मुलाकात का ये कार्यक्रम बताया गया है। कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकती है। बीएल संतोष से भी मुलाकात का ये कार्यक्रम बताया गया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली से बाहर है बीएल संतोष। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो आज पहुंचते हैं या फिर इंतजार के तहत कुछ दिन रुकने का कार्यक्रम रहेगा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, क्योंकि बीएल संतोष दिल्ली में नहीं लेकिन उनसे मिलने का भी कार्यक्रम है। वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है और ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से आलाकमान से उनकी मुलाकात जब हो रही है तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अदिति, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से एक्टिव मोड में है और लगातार दिल्ली का रुख उनका हो रहा है, चर्चा का विषय बन गया है। ये रूटीन है या फिर विधानसभा चुनावों से पहले इसे खास तौर से जोड़कर देखा जाए? देखिए, डेफिनेटली ये विधानसभा चुनाव से संबंधित ही मुलाकात होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाल ही में अभी बीएल संतोष से उनकी मुलाकात सपोर्ट में दो दिन में बैठक में हुई थी, उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रहा। जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी एक तो लंबी पेंडिंग भी है, लेकिन अगर खास मुलाकात की बात करें तो पूरा राजस्थान जब भी वसुंधरा राजे दिल्ली की तरफ आती हैं तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, क्या कोई निर्णय होने वाला है, जबकि संगठन या दिल्ली ये मानता है कि हमारी तैयारी चल रही है, लगा दिए गए हैं चुनाव प्रभारी, काम चालू है, लगातार नेताओं के दौरे चल रहे हैं, संगठन की बैठकें हो रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का दिल्ली आना जाहिर तौर पर राजस्थान चुनाव संबंधित है, लेकिन अगर इसको बहुत खास देखा जाए तो वो तब होता जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन टू वन मुलाकात करती या फिर अमित शाह से वन टू वन मुलाकात करती। जेपी नड्डा जाहिर तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो डिसीजन लेवल पे जब तक जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री या अमित शाह से मुलाकात ना हो जाए दोनों से, तब तक कोई डिसीजन की जो उम्मीद करने लगते हैं उनके समर्थक हुए या फिर उनसे संबंधित लोग हुए या राजस्थान में सियासी गलियारों में चर्चाएं उठने लगती हैं। अदिति, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो ये और भी ज्यादा खास हो जाता, लेकिन क्या सीएम फेस को लेकर अभी भी संशय बना रहेगा और वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहने वाली है, तो क्या इस पर लगातार संशय बरकरार रहने वाला है? देखिए, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ है कि वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव है। हाँ, ये बात अलग है कि कर्नाटक के नतीजों के बाद राजस्थान के चुनाव को देखने का नजरिया बदल चुका है, लेकिन अगर कोई और जिम्मेदारी देनी है जिसमें यात्रा हुआ, हालांकि यात्रा का प्रस्ताव राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और वसुंधरा तीनों के लिए दिया गया है, प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन वो दिल्ली तय करेगा, तो ऐसे कई ऐसे और भी बिंदु हैं जिस पर चर्चा होनी है। पर जहां तक कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात है, ये मुलाकात तब महत्वपूर्ण होती जब अमित शाह से या प्रधानमंत्री मोदी से वन टू वन मुलाकात होती। अक्सर ये देखा गया इतिहास में कि वो जेपी नड्डा से तब मुलाकात करती हैं जब उनको कोई अपनी बात रखनी होती है, पार्टी में चल रही किसी गतिविधि को उनको बताना होता है, संज्ञान में लाना होता है, तब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं। इसलिए अगर ये उम्मीद की जाए कि कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है आज बैठक के बाद, तो ऐसा संभव नजर नहीं आता। हाँ, अगर ये बात वही जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह से मुलाकात हुई तो माना जाता कोई बड़ा डिसीजन, लेकिन एक पॉलिसी है बीजेपी की कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी सबको दे दी जाती है, तो ऐसे में उनको चुनाव का चेहरा जैसे बोलते हैं चुनाव प्रचार का चेहरे के रूप में घोषित किया जाना की उम्मीद लगाई जा रही है, या कोई यात्रा बच्चे कुछ दिन की बहुत ज्यादा निकल चुका है, यात्रा के लिए कम से कम 6 महीने की जरूरत होती है, 6 से 7 महीने की जरूरत होती है, ऑलरेडी जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त सितंबर 2 ही महीने टेक्निकली होता है, अक्टूबर से जिनसे पार्टी शुरू हो जाती है, तो 2 महीने की यात्रा बहुत ज्यादा राजस्थान जैसे बड़े राज्य में नहीं संभव होती। लेकिन अदिति, कहते हैं ना कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है, उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अभी फिलहाल सत्ता में जो बैठा है उस पर क्या आरोप लगा रहा है या फिर सीएम फेस नहीं है, वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि शायद इस बार कुछ ना कुछ खास यहाँ पर राजस्थान के लिए सोचा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति।